अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, एज यू नो, द मोस्ट सीक्रेट मंथ ऑफ रमजानुल मुबारक हैज स्टार्टेड टुडे, सो वी विल स्टार्ट आवर स्टडीज विद अ प्रे टू गॉड टू शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑफ रमजानुल मुबारक ऑन ऑल ऑफ अस थ्रू आउट द मंथ एंड आफ्टर द मंथ एज वेल, आमीन। Now let's come to the studies. All of you open your books, page number 2. Students, as you know, we were reading unit number 1, keep your city clean, and we have read in this chapter the importance of cleanliness, and there are lots of things which we can do or in order to keep our city clean, such as we should throw the litter in the dustbin, and we should make sure that our vehicles are well maintained and do not emit smoke. And also another point is that we should try to keep the noises at low level. Today we will start from the fourth point. This is, we should inform other people about the importance of keeping the city clean. एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो नेबर्स हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, हम उन सबको बताएं कि हम किस तरीके से अपने शहर को साफ रख सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों से के बारे में नहीं जानते या उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो लापरवाही कर रहे हैं, तो हमें दूसरे लोगों को भी ये पॉइंट्स बताने चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने इलाके को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने एरिया को साफ रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स टू टेक स्मॉल एक्शंस टू कीप आर नेबरहुड क्लीन। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्रेंड क्लब भी बना सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन सबको मेंबर बना लें, और फिर हम उसमें जब मीटिंग करें तो हम डिसाइड करें कि हमें अपने इलाके को, अपने नेबर को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग जो है, वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हालात होते हैं, कभी अपने जो एरिया है, अपनी स्ट्रीट है, उसमें कोई खराबी हो गई है, कोई टूट फूट हो गई है, या उसके अलावा वहां दीवारें खराब हैं, या ये कि कुछ लोग वहां अगर लीटर फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो हर बार जो है वो मीटिंग करें, उस फ्रेंड क्लब में मिलें और फिर डिसाइड करें कि हम अपने एरिया के लिए क्या कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रीज गिव आउट फ्रेश एयर। जैसे कि हमें मालूम है कि जो दरख्त हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन की वजह से जो है फजा साफ सुथरी होती है, फ्रेश एयर हासिल होती है हमें ट्रीज से। दे ऑल्सो मेक अ सिटी ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ दरख्तों से एक और चीज होती है कि उससे जो इलाका है जहां पर दरख्त लगे होते हैं वो खूबसूरत दिखाई देता है, मंजर प्यारा होता है, खूबसूरत आपको लुक आती है अपने इलाके की। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड शुड नॉट हार्म द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी देयर। हमें क्या करना चाहिए कि हमें और ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, और सिर्फ ये नहीं कि दरख्त लगाएं और पहले वाले दरख्त या पौधे उतार दें, काट दें या तोड़ दें चलते फिरते। हमें चाहिए कि हम जो पहले से दरख्त लगे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी देखभाल करें, और उसके साथ साथ नए नए प्लांट लगाएं, नए नए दरख्त लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रीनरी हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हो। जितने ज्यादा ट्री होंगे उतनी ज्यादा फ्रेश एयर होगी, और फ्रेश एयर होने से जो आलूदगी है फजा में वो जो है कम हो जाएगी काफी हद तक, और तमाम जो जानदार हैं, इंसान हैं, हैवान है, चरिंद परिंद, उन्हें भी जो है वो फ्रेश एयर मिलेगी और सबकी सेहत जो है वो बेहतर होगी दरख्त लगाने से। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर एक्शंस। हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और हम सब ये जिम्मेदारियां लें अपने लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कोई भी क्लीनलीनेस का रिस्पॉन्सिबल इदारा है, तो सारा काम उसी का ही है और उसे ही सब कुछ करना चाहिए, बल्कि हमें अपने जो काम है, हम जो करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर हम माहौल में गंदगी फैला रहे हैं या हम अपने माहौल को खराब कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी भी हमें महसूस करनी चाहिए और हमें मानना चाहिए कि हमसे गलती हो रही है और हम दोबारा वो काम ना करें। और इसके साथ साथ हम ये जो तमाम स्टेप्स हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेसन में भी और आज भी,
कि हम अगर ये सब कुछ करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो हम अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी होगी। इफ़ वी डू नॉट केयर फॉर आर सराउंडिंग्स एंड आर सिटीज एंड कीप ब्लेमिंग द सिटी गवर्नमेंट, देन दैट इज़ अ वेरी अनफेयर एटीट्यूड। अगर हम खुद कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, हम खुद गंदगी फैलाते रहेंगे, माहौल ख़राब करते रहेंगे और इल्ज़ाम हम लगाएंगे इदारे के ऊपर, जो डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन, और उसी को कहेंगे कि ये लोग अपना काम नहीं करते, और खुद हम चाहे जो है माहौल साफ करने के बजाय उसको और ज़्यादा हम ख़राब करें, नुकसान पहुंचाएं, तो ये एक गैर मुनासिब रवैया है, ये गलत एटीट्यूड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक इलाके में, एक माशरे में रहते हुए हर इंसान की, हर फर्द की, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग भी था, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। आपने इसकी रीडिंग करनी है और तमाम पॉइंट्स को जहन में रखना है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम अगले लेसन में करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।